वैसे तो आप सभी जानते हैं कि संगीत एक ऐसी कला है जो कि सबके दिलों में जगह बनाती है, और संगीत में एक ऐसी अजीब सी कशिश है जो दिलो दिमाग को सुकून देती है। जी हाँ, करोड़ों फैन को दीवाना बनाने वाले और सबके दिल छू लेने वाले AR रहमान का आज 50वां जन्मदिन है। AR रहमान के 50वें जन्मदिन पर हम आपको उनसे जुड़ी दिलचस्प बातें बताएंगे। AR रहमान का जन्म तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हुआ था। जब रहमान 9 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति काफी बदल गई, जिससे रहमान ने संगीत से अपने जीवन को बेहतरीन बनाया। आपको बता दें कि भारतीय संगीतकार रहमान आज दुनिया में गीतकार, संगीतकार, निर्माता, समाजसेवी के तौर पर जाने जाते हैं, और रहमान ने मणिरत्नम की फिल्म रोजा के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, और रामगोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला से उनका हिंदी सिनेमा से परिचय हुआ। इसके बाद बॉम्बे, दिल से, ताल, लगान, रंग दे बसंती, दिल्ली 6, रॉकस्टार, हाईवे और तमाशा सहित बहुत सी फिल्मों में रहमान ने अपने संगीत का जादू इस कदर चलाया कि आज भी AR रहमान को याद करते हैं। रहमान ने हॉलीवुड में अपने संगीतमय करियर की शुरुआत की। इस गीत नाना में रहमान ने 2 एकेडमी अवार्ड और 1 गोल्डन ग्लोब ट्रॉफी जीती। ग्रैमी अवार्ड, ऑस्कर सहित अनेक राष्ट्रीय अवार्ड जीतकर रहमान ने दुनिया भर के प्रशंसकों को अपना दीवाना बनाया। बता दें कि इन दिनों AR रहमान फिल्म ओके जानू को लेकर सुर्खियों में है। इस फिल्म का संगीत रहमान ने ही दिया है। रहमान ने कई फिल्मों को संगीत दिए हैं, और यही नहीं, गुलजार के गीतों को AR रहमान ने अपने संगीत से सजाया है। सोशल मीडिया पर AR रहमान के प्रशंसकों में बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड के सितारे भी शामिल हैं। सभी अपने अपने अंदाज में रहमान को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। हम भी यही कामना करते हैं कि रहमान इसी तरह अपने संगीत से फैंस का मनोरंजन करते रहे और सबको अपने संगीत से दीवाना बनाते रहे।